Hello. A very good morning to everyone, my dear students. I am Dr. Madhulika Roy from Government DTPG College, Puttayur. This is the topic Social Organization in Primates, which is in MSc Third Sem, Paper 2 of Animal Behavior, as well as it is in BSc second year, paper 2. Before commencing the explanation, I would like to tell you this is very, very vast topic and it is very interesting. You will find some common things from your social life also. It shows that human life have emerged from this animal life, and we have several things common with them. In subsequent slides, you will find these interesting points. So, let's begin it. Okay. See the next slide. Primates living together. Our topic is social behavior, your social organization in primates. So these are primates. Langurs, Hanuman, Bandar, jo bhi kehna chahe. Dekhiye kaise saath saath rehte hain. They are not solitary. Solitary meaning akele. So yehi hame pure hamare topic mein देखना है कि ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता कैसे है, ये रहते कैसे हैं, इनकी खासियत क्या है, किस तरह से इतने बड़े बड़े ग्रुप्स को ये मैनेज करते हैं, ये डेवलप कहाँ से हुआ, इसका प्रभाव भविष्य में क्या पड़ेगा, क्या होगा इत्यादि. सो लेट अस बिगिन विद प्राइमेटा. व्हाट इज प्राइमेटा? प्राइमेटा इज एन ऑर्डर इन क्लास Mammalia. It is the highest degree of order, where prime characteristic animals are kept in this order. So, primates are the members of order Primata in class Mammalia. Taxonomically, this order is divided into two: Prosimae and Anthropodi. Anthropoidy. Prosimae are primitive primates, lemurs, lorises, and tarsiers, etc. These are primitive primates. Prosimae. Anthropoidy, they are bigger brain monkeys and apes, including humans. अब ये दूसरी क्लास, वो दूसरा ऑर्डर वो है एंथ्रोपोइडी कहलाने वाला. इनमें ब्रेन साइज इज क्वाइट बिग. ह्यूमन हैज 1400 सीसी ऑफ ब्रेन साइज ऑफ ब्रेन कैपेसिटी. सो यू कैन सी चिंपैंजीज, गोरिल्लास, ओरांगुटांस एटसेट्रा, दे आर वेरी नियर टू ह्यूमन बींग्स. चिंपैंजी and Homo sapiens have 98% genome in common. We are 98.2% genomes are common in apes and human beings. So primates have large brain capacity relative to body size compared to other mammals. All the mammals are very advanced, but primates are super advanced. होमो सैपियंस के बाद अभी तक कोई स्पीशी, कोई ऐसा जीव देखा नहीं गया है अभी तक. हालांकि दिस चेंजेस आर वेरी ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस एंड वेरी स्लो प्रोसेसेस. इंक्रीज रिलायंस ऑन विजुअल एक्टिविटी एट द एक्सपेंस ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल, अ डोमिनेंट सेंसरी सिस्टम इन मोस्ट मैमल्स. देखिए, सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने की शक्ति कई मैमल्स में बहुत ज्यादा होती है, परंतु प्राइमेट्स में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है देखने की शक्ति का, विजुअल एक्यूटी बढ़ गई है. मोस्ट प्राइमेट्स आल्सो हैव ऑपोजिबल थंब्स. ऑपोजिबल थंब्स
उससे क्या होता है, पकड़ने में मदद मिलती है। प्राइमेटोलॉजी, व्हाट इज प्राइमेटोलॉजी? इसमें हम प्राइमेट्स का अध्ययन करते हैं, जाहिर सी बात है, ऐसा क्या खास है? सो दिस प्राइमेटोलॉजी गिव्स यू चांस टू स्टडी द इंटरैक्शंस बिटवीन थ्री मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमेट सोशल नेटवर्क। दीज थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स आर सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल स्ट्रक्चर एंड द मेटिंग सिस्टम। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज मेटिंग सिस्टम। As I have repeatedly told you in my previous lectures that each and every living being has an inherent tendency to perpetuate its own progeny in the nature. इस प्रकृति में प्रत्येक जीव का एक नैसर्गिक अधिकार है अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाना। इसके लिए रिप्रोडक्शन होता है और रिप्रोडक्शन के द्वारा ही स्पीशीज का आगे बढ़ना संभव है। तो आपने प्रत्येक जीव में रिप्रोडक्शन के पैटर्न्स देखे हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने जाना कि दिस इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू ऑपोजिट सेक्सेस लाइक मेल एंड फीमेल। और इससे जो नई वेरिएशंस वैरायटीज उत्पन्न, जो नई ऑफस्प्रिंग उत्पन्न होती है वो वायबल फर्टाइल होना चाहिए। इसे हमने कई टॉपिक्स में डिटेल में पढ़ा है और आपने इसको आप इसे बहुत अच्छे से जानते भी हैं। द प्रिमिटिव सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक्सिस्ट अलोंग स्पेक्ट्रम विद नेटवर्क रेंजिंग फ्रॉम द सॉलिटरी नेबरहुड सिस्टम to the multi individuals, to the complex multi level societies that are very common in hierarchical organization of social units. तो social organization में आपको solitary animals भी मिलेंगे जो अकेले रहते हैं और आपको multi level structure भी मिलेगा जहां जैसे आपको एक ह्यूमन बीइंग से एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। संयुक्त परिवारों में दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता, कजिन्स इत्यादि इस तरह से रहते हैं। एनिमल किंगडम में भी आपको इसी तरह के जॉइंट फैमिलीज दिखेंगे जहाँ मल्टी लेवल सोसाइटी आपको दिखती है। संयुक्त परिवार इनमें भी होते हैं और एकल परिवार भी इनमें होते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए आप अगर आगे के शब्दों को पढ़ेंगे, आगे के टर्म्स को आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये बात हम होमो सैपियंस या ह्यूमंस बहुत अच्छे से जानते हैं कि सोशली रहना कितना फायदेमंद है बनिस्बत अकेले रहने के। तो हम इसको लिखते समय कैसे लिखेंगे, तो आप देखिए इस एनिमल किंगडम में भी ये एप्लीकेबल ही, ये बात हमेशा प्रासंगिक है कि सोसाइटी सोशल ऑर्गेनाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है जीने के लिए। सो सोशल एनिमल्स लिव इन ग्रुप, हालांकि सब नहीं रहते। अभी सबसीक्वेंट स्लाइड्स में आपको ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे जो सिंगल भी हैं और जो सोशल भी हैं। तो evolution of diverse primate social system is considered to be a naturally selected anti-predation response. सवाल ये होता है कि ये social organization develop क्यों हुआ, इसका कारण क्या था? तो जीव अपने आप को शिकारियों से बचाना चाहता है, यानी वो security चाहता है, सुरक्षा चाहता है। तो जब animal group में रहता है तो उसके शिकार हुए जाने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं क्योंकि पूरी की पूरी सोसाइटी सुरक्षा में लगी हुई है, अपनी सुरक्षा में लगी हुई है, अपने ग्रुप की सुरक्षा में लगी हुई है। तो दिस इज नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि नेचर क्या करती है, उन्हें ही जीने का अधिकार देती है जो वातावरण के प्रति अडाप्ट हो जाते हैं, अनुकूल हो जाते हैं। कैसे अनुकूल होते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए ये अनिवार्य है। स्ट्रक्चर
स्ट्रगल तो जीवन में होता ही है, जीवों के जंगल लाइफ में आप देखिए, एनिमल किंगडम में आप देखिए, भयानक संघर्ष है। तो इस संघर्ष को जो जीतता है वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। और ये कब होता है? जब वह अपने आप को विपरीत परिस्थितियों के अनुकूल बना लेता है, अडेप्ट कर लेता है अपने आप को। द अडेप्टेबिलिटी इज द मेजर रीजन ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन के डेवलप होने का कारण था नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुआ है, क्योंकि अपने आप को शिकारियों से बचाने के लिए, प्रेडेशन से बचाने के लिए ये ग्रुप में रहने लगे। इंक्रीज रिसोर्स डिटेक्शन, मतलब भोजन की आवश्यकता सबको है, तो भोजन की प्राप्ति के लिए जब ये ग्रुप में है तो इनको आवास और भोजन की समस्या और अपने शिकारियों से सुरक्षा मिलने लगी। Cooperation and social learnings are considered as co-benefits of group living. तो group living में न केवल अपनी सुरक्षा, भोजन, आवास की समस्या का समाधान, बल्कि एक दूसरे को सहयोग करने की भावना और social learning जैसे skills का भी development साथ साथ हुआ। So primate social groups are complex groups and most of the activities are confined within the group. तो कुछ अगर फायदे हैं तो नुकसान भी होते होंगे, उनको भी हम देखेंगे अभी। Emergence of social organization, कैसे emerge हुआ नेचर में ये social organization primates? तो similar to genetic traits, behavioral characteristics can similarly result from natural selection processes. तो ये inherited तो है ही, genetic तो है ही, साथ में ही natural selection के कारण भी ये गुण develop हो पाया, अनुकूलन के कारण। तो socio-biological factors are thought to influence primate social organization. तो biological activities society से अलग करके नहीं देखी जा सकती। कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के साथ सोसाइटी का ताना बाना बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। तो कुछ हाइपोथेटिकल बेनिफिट्स सुझाए गए हैं रिसर्चर्स के द्वारा ये ग्रुप लिविंग या सोशली लिविंग टुगेदरनेस, इन सब के कुछ विशेषताओं को रिसर्चर्स ने किस प्रकार से एक्सप्लेन किया है देखिए। इम्प्रूव्ड प्रिडेटर डिटेक्शन, अगर ग्रुप में एनिमल्स हैं तो बहुत जल्दी वो उन्हें पता चल जाएगा कि कोई शिकारी उनकी ओर आ रहा है, वो सावधान हो जाएंगे। आपको अदर देन प्राइमेट्स, हिरणों में भी, डियर्स में भी ये घटना देखने को मिलती है, और बफेलोज में, जंगली भैंसों में, गायों में, आपको हमेशा ये लोग झुंड में चलते हैं और जब ग्रुप लिविंग में रहते हैं तो बहुत जल्दी अगर एक को पता चल जाता है कि कोई शिकारी उनकी ओर आ रहा है तो वो पूरे ग्रुप को किसी भी तरह से सावधान कर देते हैं। ना केवल प्राइमेट्स में बल्कि दूसरे नॉन प्राइमेट्स में भी आपको ये गुण देखने को मिलेगा। प्रेडेटर विजिलेंस और अवेयरनेस, ग्रुप में कोई ना कोई मेंबर इतना जागरूक और इतना सतर्क होता है कि वो अपने आप को प्रेडेटर से खुद तो बचाता ही है, पूरे ग्रुप को भी सचेत करता है। मान लीजिए किसी ग्रुप के ऊपर चीते ने आक्रमण कर दिया तो चीता बहुत दबे पांव आता है, लेकिन अगर मंकीज पेड़ के ऊपर चढ़ के भी इसको देख रहे हैं या जमीन पर रहने वाले मंकीज ने भी ऊपर से इसको भाप लिया तो वो चिल्ला चिल्ला के अपने साथियों को सचेत कर देंगे। तो ये प्रेडेटर विजिलेंस होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, ये इंटेलिजेंस की ग्रोथ के साथ होता है एंड दे आर एनिमल किंगडम में आपको इंटेलिजेंस बहुत मिलेगा। प्रेडेटर डिफेंस, अपने आप शिकारियों से अपनी रक्षा करना, ये मेन का, क्योंकि देखिए प्रत्येक जीव को भोजन का अधिकार है, शिकारी भोजन के लिए ही शिकार करता है, उसी प्रकार प्रत्येक जीव अपनी रक्षा के लिए कोई ना कोई डिफेंस मैकेनिज्म को अपनाता है। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म हो सकता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन।
Communication among members ensures appropriate responsive actions, minimize the susceptibility to predation of primates. वैसे primates वो जीव होते हैं जो बहुत कम शिकार हो पाते हैं, जैसे बंदरों का शिकार, गोरिल्ला और ऑरांगुटांग का शिकार और दूसरे जीव शायद ही कर पाते हैं. इट इज वेरी रेयर. क्यों? उनकी अवेयरनेस के कारण, उनकी कम्युनिकेशन पावर के कारण. तो दिस इज नॉट ओनली अ जेनेटिक ट्रेट बट ऑल्सो नेचुरली सिलेक्टेड ट्रेट. नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो सकता है. हाइपोथेटिकल बेनिफिट्स ऑफ ग्रुप लीडिंग. अब हाइपोथेटिकल क्या कहना, वास्तविकता ही है ये, जिसमें इम्प्रूव्ड रिसोर्सेस, जैसे जब भोजन पानी इन सब की तलाश में कोई ग्रुप में निकलते हैं तो ये बेहतर होता है. अकेले भटकने से अच्छा है कि ग्रुप में जब जाए तो सहारा रहता है और रिसोर्सेज यानी भोजन पानी आवास इन सब का इन सब की खोज आसान हो जाती है. More individuals infer a heightened special knowledge and an increased ability to detect resources if more landscape is being covered. आपने देखा होगा other than primates, हाथियों को भी आपने देखा होगा बहुत बड़े इलाके में फैल जाते हैं. तो ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन हम प्राइमेट्स में जरूर देख रहे हैं, लेकिन जब हम इनका बेनिफिट देख रहे हैं तो हमें बहुत बड़ा स्केल लेना पड़ेगा, क्योंकि लैंडस्केप बहुत बड़ा है. तो अगर हाथियों का उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, हाथी एक साथ झुंड में निकलते हैं और बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं, तो उनको भोजन पानी मिलता है और प्रिडेटर्स से भी वो अपनी सुरक्षा करने में सक्षम होते हैं. सिमिलरली आप प्राइमेट्स में, लंगूर्स में, गुरिल्लाज में इस प्रकार का गुण आगे देखने वाले हैं. अपॉर्चुनिटी फॉर कोऑपरेशन, एक दूसरे से सहयोग की भावना हम ह्यूमंस में उम्मीद करते हैं, लेकिन हम पाते हैं इनको एनिमल किंगडम में भी. कोऑपरेशन एनिमल किंगडम में भी है और हमारा एजुकेटेड समाज या ह्यूमन सोशलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स के लिए हम कोऑपरेशन की उम्मीद करते हैं. हमें सीखना चाहिए एनिमल किंगडम से. प्राइमेट सोशियलिटी एंड लिविंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी बॉयस्टर्स कोऑपरेटिव बिहेवियर्स नेसेसरी फॉर पार्टिसिपेटिंग इन एक्टिविटीज सच एज हंटिंग, एलोपेरेंटिंग एक्सेट्रा. हंटिंग आप जानते हो, शिकार को कहते हैं. एलो पेरेंटिंग शायद आप नहीं जानते. एलो पेरेंटिंग में पेरेंटल केयर आप जानते हैं. पेरेंटल केयर क्या होता है? अपने अंडों की, अपने बच्चों की सुरक्षा करना बहुत कॉमन है और ह्यूमन बीइंग्स में तो आप देखते ही हैं कि बहुत बड़े होने के बाद भी माँ बाप अपने बच्चों की सुरक्षा में चिंतित रहते हैं. यही एक शब्द आया है एलो पेरेंटिंग. एलो पेरेंटिंग को अगर मैं कहूँ दाई का काम करना तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे. अपने बच्चे ना होते हुए भी दूसरे के बच्चों को भी उतने ही केयर से पालना एलो पेरेंटिंग कहलाता है. तो टेरिटोरियलिटी और मेल डिफेंस, आपने एनिमल किंगडम में, एनिमल बिहेवियर में और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के पहले भी आप टेरिटोरियलिटी जानते हैं. रिप्रोडक्टिव बिहेवियर इन मैमल्स में आपने इसे पढ़ा था. टेरिटोरियलिटी, टेरिटोरियलिटी में क्या होता है, किसी एक इलाके में एक मेल अपना वर्चस्व चाहता है, मेल डोमिनेंस चाहता है. वो चाहता है उस इलाके में वही रहे और वही वहाँ की सजातीय अपनी सजातियों के साथ रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी में वो व्यस्त रहे, जिससे उसके जीन्स ट्रांसमिट हो सके आने वाली पीढ़ियों के लिए. ये हमने आइसोलेटिंग मैकेनिज्म में भी देखा है और दूसरे टॉपिक्स में, दूसरे इसमें भी हम लोगों ने इसका उल्लेख किया है कि टेरिटोरियलिटी में मेल डोमिनेंस के लिए फाइटिंग होती है और जो मेल जीतता है वही उस इलाके में रहता है, दूसरे मेल को वहां से खदेड़ देता है और वहां पर जितनी फीमेल्स रहती हैं सबके साथ उसके संबंध बनते हैं और सबसे वो सब में अपने जीन्स ट्रांसमिट करता है, जिससे आने वाली पीढ़ी, आने वाली प्रोजेनी नेचर में वायबल फर्टाइल रहे इत्यादि इत्यादि. तो रिड्यूस रिस्क ऑफ इन्फेंटिसाइड. एनिमल किंगडम में एक बहुत
बुरी चीज जो ये हमें देखने को मिली है वो है इन्फेंटिसाइड, यानी मेल चाहता है कि उसी के संतान रहे, वो नवजात शिशु की हत्या कर देता है। किस नवजात शिशु की? अगर टेरिटोरियलिटी के फाइट में, डोमिनेंस की फाइट में उसने एक ऐसे मेल को खत्म कर दिया है जिसने ऑलरेडी दूसरी फीमेल्स को प्रेग्नेंट किया हुआ है, और जब उसने बच्चे दिए हैं तो उन बच्चों को वो मार देता है। ये बुरी टेंडेंसी, पाश्विक प्रवृत्ति यही, ये पाश्विक प्रवृत्ति भी उसमें दिख रही है। लेकिन जब ये लोग ग्रुप में रहते हैं तो इसको पनपने नहीं देता है ग्रुप, ग्रुप लीडर या पूरा सामाजिक ताना बाना ऐसा होता है कि इन्फेंटिसाइड वो होने नहीं देता है। और अगर ये सॉलिटरी ग्रुप होता तो ये बहुत संभव था कि मेल क्या करता, फीमेल ने जैसे ही बच्चे को जन्म दिया वो उसको मार डाले और फिर उसको वापस ईस्ट्रस में लेकर आए, जिससे फीमेल बस फिर से कंसेप्शन के लिए तैयार हो जाए। तो ये एक पाश्विक प्रवृत्ति पर रोक लगती है ग्रुप लिविंग में। तो इंक्रीज्ड अपॉर्चुनिटी फॉर सोशल लर्निंग, और ये सामाजिक गतिविधियों को सीखने का बेहतरीन अवसर होता है। तो ये काफी फायदेमंद है सोशल ऑर्गेनाइजेशन या सोशली रहना, ग्रुप में रहना। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे क्योंकि कोई चीज एब्सोल्यूट तो नहीं होती है, हर 100% फायदा हो नुकसान कुछ ना हो ऐसा नहीं हो सकता। इसका नुकसान क्या हो सकता है कि बहुत अधिक संख्या में अगर ग्रुप होगा तो खाने पीने की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि भोजन जो वो तलाश करेंगे वो फिर सब में बटेगा और इसमें फिर झगड़ा होगा, सोशल ग्रुप के अंदर ही झगड़े होने के चांसेस हो जाएंगे। तो वाटर, फूड, इन सब की कमी होगी, स्लीपिंग साइट्स की कमी होगी, और सबसे ज्यादा झगड़ा होगा मेट्स को लेकर। तो इन सब के कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं। इसमें ग्रुप साइज के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसके कारण क्या होते हैं, बड़े बड़े ग्रुप छोटे छोटे ग्रुप्स में टूटने लगते हैं। इसको अगर आप होमो सैपियंस के साथ या ह्यूमंस के साथ आप समझना चाहें तो संयुक्त परिवार टूटकर आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज बन गई हैं, ज्वाइंट फैमिलीज हैव बीन ब्रोकन इनटू न्यूक्लियर फैमिलीज, यानी संयुक्त परिवार टूटकर एकल परिवार होने लगे हैं। कारण यही होता है, भोजन की कमी, आवास की कमी, रहने की कमी, और फिर एक कमरे में इतने सारे लोग रह नहीं सकते, बीमारियां फैलने का खतरा रहता है, इसीलिए संयुक्त परिवार टूटते हैं। और यही एनिमल किंगडम में भी यही बात एविडेंट है कि आप अभी देख रहे हैं पैथोजेंस ट्रांसमिशन चांसेस आर वेरी हाई। अगर किसी को बीमारी है, कोई बीमारी, तो जाहिर है पास पास रहने की वजह से, ग्रुप में, हर्ड में रहने के कारण उनमें ये पैथोजेंस ट्रांसमिट हो जाएंगे। हालांकि हर्ड इम्यूनिटी इनमें डेवलप हो जाती है, लेकिन वो अलग चीज है, पर इसके कारण कैजुअलिटीज बहुत होती है। कॉम्पिटिशन एंड एग्रेशन, इफ इंफ्रा ग्रुप कॉम्पिटिशन बिकम्स टू हाई, द एसोसिएटेड स्ट्रेस कैन पोटेंशियली इम्पोज निगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट्स। अब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ भी जब झगड़ा, लड़ाई होती है, कॉम्पिटिशन होता है, एग्रेशन होता है, तो एक स्ट्रेस फैक्टर भी रहता है। यानी कई सोशल ग्रुप साथ साथ चलेंगे, वो अलग अलग होंगे, उनमें आपस में झगड़े होंगे, फिर आवास की समस्या रहती है। कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज, संज्ञान में लेते हैं चीजों को और कई चीजों को ये सीखते हैं, और इसमें सोशल रिलेशनशिप भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो प्लीज, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सोशलिटी, हम ये सारी बातें कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ और भी सिस्टमैटिक तरीके से लिखा हुआ है। हाँ, इस पॉइंट पर मैं आपसे एक बात कहना चाह रही हूँ, अगर कहीं रिपीटिशन है तो जब आप इस नोट को डाउनलोड करोगे या आप लेंगे तो कुछ चीजों को आप छोड़ सकते हैं जो चीजें रिपीट हुई है, क्योंकि कुछ अच्छे चित्रों के लिए, कुछ अच्छे टेक्स्ट के लिए मैंने कुछ स्लाइड्स अधिक बनाई हुई है। तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सोशलिटी में आप पढ़िए, देयर आर कंपीटिंग हाइपोथेसिस फॉर द रोल फीडिंग टेक्स इन इन्फ्लुएंसिंग प्राइमेट सोशलिटी। भोजन की समस्या, इट इज इंटरप्रेटेड हैविंग बोथ एज अ पॉजिटिव रिसोर्स रिडक्शन एंड नेगेटिव रिसोर्स कंपटीशन इफेक्ट। अगर साथ में रहने से भोजन, आवास, पानी इत्यादि जल्दी मिलते हैं तो फिर इनके लिए कंपटीशन भी एक बेहद चिंताजनक फैक्टर है, क्योंकि फिर इनमें
हिस्सा बटेगा, हिस्सा बटने से फिर झगड़ा होगा, जो जो डोमिनेंट होगा वो अधिक छीन लेगा और जो बेचारा कमजोर होगा उसको कम मिलेगा, तो ये एक नेगेटिव इफेक्ट है। सिलेक्टेड बाय नेचुरल सिलेक्शन द कलेक्टिव बेनिफिट्स ऑफ ग्रुप लिविंग मस्ट आउटवेट द कलेक्टिव डिमेरिट्स। तो चूंकि ये नेचुरली सिलेक्टेड है, ये जैसे जेनेटिक ट्रेट तो है ही, नेचर के कारण भी ये आवश्यक हो गया है, तो इसकी खूबियां इतनी अधिक हैं कि इसकी कमियों को नजरअंदाज कर देते हैं सोशल ग्रुप्स। दस इफ इंफ्रा ग्रुप कॉम्पिटिशन बिकम्स टू ग्रेट द ग्रुप इज लाइकली टू फ्रैक्चर इंटू स्मॉलर यूनिट्स। वही बात मैंने आपसे कही कि अगर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन हो जाता है विद इन द ग्रुप तो उसमें फ्रैक्चर तो होना ही है, छोटे छोटे स्मॉल सब यूनिट्स टूटने लगते हैं। इसी तरह से एक संयुक्त परिवार में जब कई भाई होते हैं, तो मान लीजिए एक परिवार में चार भाई हैं, तो चार के छोटे छोटे परिवार टूट गए तो चार न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई एक बड़ी ज्वाइंट फैमिली से। द लोअर थ्रेशोल्ड ऑफ प्राइमेट ग्रुप लिविंग इज डिटरमिन्ड बाय रिस्क ऑफ प्रेडेशन। अपर लिमिट ऑफ ग्रुप साइज इज डिटरमिन्ड बाय फीडिंग कॉम्पिटिशन एंड अमंग द इंडिविजुअल्स। अगर शत्रुओं से खतरा है तो प्राइमेट ग्रुप सोशली एक साथ रहना पसंद करते हैं, और अगर कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, भोजन आवास की समस्या हो रही है, तो ये ग्रुप्स टूटने लगते हैं। अब मेरिट्स और डीमेरिट्स आप देखिए साथ चल रहे हैं। नाउ प्राइमेट सोशल ऑर्गेनाइजेशन द मेजर इश्यू, अभी तक हम देख रहे थे कैसे इमर्ज हुआ, इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। अब एक्चुअल पॉइंट हमारा आ रहा है, प्राइमेट सोशल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका मेटिंग सिस्टम क्या है। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू द साइज, दैट इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। एक सोशल ग्रुप में कितने मेंबर्स एक साथ रह सकते हैं। कॉम्पोजिशन, वेरिएशन बिटवीन द सेक्सेस, यानी कितने मेल है कितनी फीमेल है, मेल्स ज्यादा है या फीमेल्स ज्यादा है, या दोनों बराबर बराबर है, या किस प्रकार से है। तो ये कॉम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आके जाके मेटिंग सिस्टम को डिस्क्राइब करेगा। कोहेजन रिलेटिंग टू प्रॉक्सिमिटी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ द सोसाइटी। इंडिविजुअल सोसाइटी में ये जुड़े हुए हैं साथ साथ या अलग हो रहे हैं, ये देखना इम्पोर्टेंट होगा। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ प्राइमेट सोशल ऑर्गेनाइजेशंस आइडेंटिफाइड। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 7 प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन आपको प्राइमेट्स में देखने को मिलेंगे। सॉलिटरी प्राइमेट सिस्टम, अकेले रहना, सिंगल न्यूक्लियर फैमिली प्राइमेट्स में, यानी गुरिल्ला, ओरांगउटांग, एप्स, बंदर, इन सब में आपको सॉलिटरी भी मिलेंगे और पेयर बॉन्डेड सिस्टम भी मिलेगा। कहीं ना कहीं हम इन्हें ह्यूमंस के साथ भी कोरिलेट करके देख रहे हैं। हम ये सोचेंगे ये ह्यूमंस की तरह है, नहीं, इनकी तरह ह्यूमंस है, क्योंकि ह्यूमंस बाद में आए हैं, ये पहले आए हैं, इनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स पहले से विद्यमान थे, इन्होंने ट्रांसमिट किया है, ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स में आया, एनवायरनमेंट में आया, और होमोसैपियंस ने भी इसे एक्वायर किया है। तो होमोसैपियंस के साथ जब आप इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं ह्यूमंस के साथ, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। सॉलिटरी सिंगल फैमिली, पेयर बॉन्डेड जिसमें मेल फीमेल किस तरह से पेयर बनाकर रह रहे हैं। वन मेल मल्टी फीमेल सिस्टम्स, इट इज नोन एज पॉलीगेमी। अगर एक मेल कई फीमेल्स के साथ संबंध बना के रहता है, परिवार को आगे बढ़ाता है, तो ये सिस्टम कहलाती है पॉलीगेमी। पॉली माने कई, गेमी माने फीमेल्स, एक मेल की कई फीमेल पार्टनर होती है। वन फीमेल मल्टी मेल सिस्टम, पॉलीएंड्री, इसका रिवर्स पार्ट हुआ, एक फीमेल कई मेल पार्टनर्स के साथ संबंध बनाती है और संतान उत्पन्न करती है, ये घटना कहलाती है, या ये सिस्टम कहलाता है पॉलीएंड्री। पॉली माने कई, एंड्री माने मेल, एक फीमेल के कई मेल पार्टनर होना। मल्टी मेल मल्टी फीमेल सिस्टम, दैट इज पॉलीगाइनेंड्री, एक मेल के कई फीमेल्स के साथ संपर्क है और एक फीमेल के कई मेल्स के साथ संपर्क है, ये पॉलीगाइनी
एंट्री कहला रहा है, यानी बहुत एक मेल के कई फीमेल्स के साथ संपर्क और एक फीमेल के कई मेल्स के साथ संपर्क, पर उद्देश्य अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ाना। रिप्रोडक्शन इज द मेजर रीजन, और इसके कारण रिप्रोडक्शन मेटिंग के द्वारा होता है और मेटिंग के लिए कई तरह की मेटिंग सिस्टम्स का आप अध्ययन करने वाले हैं। फिजन फ्यूजन सोसाइटीज एंड मल्टी लेवल सोसाइटीज, इन्हें हम कोशिश करेंगे डिटेल में समझने। ग्रुप लिविंग एंड पैटर्न्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ये थोड़ा और सिस्टमैटिकली दिया हुआ है और इसे मैंने थोड़ा और कॉम्पैक्ट बनाने की कोशिश की है। इसके लिए मैंने ये चित्र साभार लिया है, गूगल सर्च में लिया है मैंने। तो मेटिंग सिस्टम देखिए, मोनोगेमी है, प्रोमिस्क्यूटी है, पॉलीगाइनी है, पॉलीएंड्री है। मोनोगेमी, अगर एक ही पार्टनर हो, मेल एक फीमेल पार्टनर रखता है या फीमेल एक मेल पार्टनर रखती है, तो इट इज मोनोगेमी। प्रोमिस्क्यूटी वही मल्टी मेल मल्टी फीमेल सिस्टम। पॉलीगाइनी, एक मेल के कई फीमेल पार्टनर्स। पॉलीएंड्री, एक फीमेल के कई मेल सिस्टम। मोनोगेमी में पेयर लिविंग हो रही है, ये देखिए सोशल ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का हो रहा है, पेयर लिविंग हो रही है। प्रोमिस्क्यूटी सॉलिटरी सिस्टम, जिसमें कोई नियम कानून नहीं है, जिसका जिसके साथ बनने का मन है, संपर्क स्थापित करने का मन है, वो उससे संपर्क स्थापित कर रहा है, लेकिन उद्देश्य क्या है, उसके प्रोजेनी आगे बढ़े, यानी वो अपने जीन्स को अगली पीढ़ी में ट्रांसमिट कर रहा है। पॉलीगाइनी पॉलीएंड्री, ये सब ग्रुप लिविंग में हो रहा है, ग्रुप में रहते हुए एक मेल के कई फीमेल पार्टनर हैं और एक फीमेल के कई मेल पार्टनर हैं। तो मेटिंग टाइप्स इन प्लांट्स। नाउ वेरिएशन इन सोसाइटी, वेरिएशन तो होगा ही, बिकॉज वेरिएशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एवोल्यूशन। तो 6 अरब सालों से जो पृथ्वी है और जब से जीवों का प्रादुर्भाव हुआ, उसके बाद से न जाने कितने वेरिएशंस आए, तो वेरिएशन तो सोसाइटी में देखना ही मिलेगा, देखने को मिलेगा ही। तो देखते हैं, इंटरेस्टिंगली प्राइमेट सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट नेसेसरीली स्पीशीज स्पेसिफिक। फॉर इंस्टेंस, एन इंट्रा स्पीशीज वेरिएशन वुड बी ट्रांसमिट वुड बी टैमरिंस एंड मार्मोसॉक्स। द टू प्राइमेट्स आर पार्ट ऑफ द कैलिट्रैकिडी फैमिली and have been observed to demonstrate pair bonding system in some population, while others have one male unit monogamous system. तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर ये कोई मैमल कहीं पर मोनोगेमी दिखा रहा है तो वो स्पीशीज हमेशा मोनोगेमी ही दिखाई दी, उसमें वेरिएशन मिलेगा। जैसे इन्होंने उदाहरण लिया है टैमरिंस और मार्मोसॉक्स का, तो अगर इसमें पेयर बॉन्डिंग दिख रही है यानी मोनोगेमी दिख रही है, तो किसी में हो सकता है प्रोमिस्क्यूटी में दिखे। तो स्पीशीज स्पेसिफिक नहीं है, आप ह्यूमंस में भी इसको कोरिलेट कर सकते। नाउ टाइप्स ऑफ प्राइमेट सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत अच्छे से चित्रों के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। मेरा आपसे एक अनुरोध है कि जब आप अपने नोट को लिखें तो टेक्स्ट मैटर बहुत ज्यादा होने से अच्छा है कि इस तरह के चित्रों से आप अपने निबंध को या अपने आंसर को एनरिच करें, ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो आप हर चित्र को समझकर बनाने की कोशिश कीजिए। मोनोगेमस मेटिक पेयर, ये देखिए एक फीमेल एक मेल। मल्टी मेल मल्टी फीमेल, ये फीमेल का चित्र है, ये तीन फीमेल और इधर तीन मेल के चित्र बने हैं, तो दे आर इन्वॉल्व इन देयर रिलेशनशिप। मल्टी मेल मल्टी फीमेल पॉलीगाइनेंट्री, सिंगल मेल मल्टी फीमेल इट इज अ वन मेल इज हैविंग रिलेशनशिप, दिस इज वन मेल इट इज हैविंग रिलेशनशिप विद 1, 2, 3, 4 फीमेल्स, सो पॉलीगेमी। सिमिलरली अगर एक फीमेल कई मेल्स के साथ संपर्क करेगी तो वो क्या हो जाएगा, पॉलीएंड्री। सोशल ग्रुप्स इन प्राइमेट्स, सॉलिटरी ये है फीमेल फीमेल, ये एक मेल है और ये एक मेल है, ये अपने परिवार को ये बढ़ा रहे हैं, ये सॉलिटरी ग्रुप है, सोशल ग्रुप्स है। उरांग उटांग इसका उदाहरण है। पॉलीगाइनी, वन मेल
एक मेल है इसमें और कई फीमेल्स हैं, गोरिल्ला फैमिली है ये। मोनोगैमस फैमिली आपको गिब्बन्स में दिखेगी, एक मेल एक फीमेल, मोनोगैमस फैमिली है ये गिब्बन्स में दिखेगी। और पॉलीएंड्रस में, पॉलीएंड्रस में एक फीमेल कई मेल्स के साथ संपर्क स्थापित करती है, तो ये है पॉलीएंड्रस। चैमरन्स में पॉलीगाइनी मल्टीमेल होते हैं चिम्स, कई मेल कई फीमेल, और मेल्स की कई फीमेल पार्टनर होती है, फीमेल्स की कई मेल पार्टनर्स होंगे, तो ये हो जाएगा चिंपैंजी। इन चित्रों को आप प्लीज बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें उदाहरण सहित चित्र दिए हुए हैं और बहुत एक्सप्रेसिव है ये आपके आंसर को बहुत शक्तिशाली प्रभावशाली बनाएगा। सॉलिटरी प्राइमेट सिस्टम, ये मैंने चित्र दिए हैं आपको समझाने के लिए, जाहिर है इनको आप बना नहीं सकते, लेकिन इनके उदाहरणों को आप अवश्य ले सकते हैं। ओरांगुटांग, और हमें पता भी चल रहा है ओरांगुटांग कैसे हैं। ओरांगुटांग जब खड़े होते हैं भ्रम हो जाता है कि मनुष्य खड़ा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिटरी प्राइमेट सिस्टम, सॉलिटरी प्राइमेट सिस्टम रेफर्ड टू एज नेबरहुड सिस्टम। It occurs when territory of an adult male overlaps with one or more adult female's territory and individuals conduct activities, most often foraging or offspring care, independently from one another. Solitary primates में ऐसा होगा अगर overlapping हो जाती है, जैसे एक ग्रुप एक जगह रह रहा है उसके साथ ही दूसरा ग्रुप भी है, एक मेल फीमेल का ग्रुप है और दूसरा वहां पर कई फीमेल्स भी आ गई हैं, तो ये साझा हो जा रहा है, फूड भी वो लोग ढूंढ रहे हैं, शिकार भी वो लोग ढूंढ रहे हैं, बच्चे का लालन पालन भी साथ में हो जा रहा है। इन दिस सिस्टम सॉलिटरी डज नॉट इम्प्लाई एंटी सोशल, बट रादर बिहेवियर इज कैरेक्टराइज्ड बाय दिस लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन अमंग द इंडिविजुअल्स। ये एंटी सोशल नहीं है, झगड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनमें आपस में तालमेल की कमी है। इनफैक्ट many solitary primates maintain social networks by using vocal or olfactory signals to communicate with each other. primates mein ye gun milta hai communication ka, bahut powerful effective signal hai ye communication ka, ye ya to awaaz lagate hain ya soonghte hain pheromones ke dwara, inme olfactory communication sambhav hai। Examples of solitary primates, orangutans, galagos, lorises और tarsiers, यानी primitive prosumi भी इसमें involved है और anthropoidy भी इसमें involved है। Pair bonded system, यह है lar gibbon, hylobatus lar, यह है pair bond। चित्र तो हमारे लिए बनाना मुश्किल होगा, लेकिन उदाहरण हम definitely याद रख सकते हैं और इस चित्र को। तो पेयर बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? पेयर लिविंग प्राइमेट्स आर स्मॉल सोशल यूनिट्स कंसिस्टिंग ऑफ वन एडल्ट मेल एंड वन एडल्ट फीमेल। आप इसे ह्यूमन फैमिलीज के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। एंड देयर इमैच्योर ऑफस्प्रिंग्स, ये न्यूक्लियर फैमिली के साथ आप इसे कोरिलेट कर सकते हैं। इट इज मोनोगैमस रिलेशनशिप, इसमें एक मेल एक फीमेल हमेशा साथ में रहना चाहते हैं। एंड दे मस्ट डेमोंस्ट्रेट अ लॉन्ग टर्म एफिलिएटिव पार्टनरशिप फॉर एटलीस्ट वन ईयर और वन सीजनल साइकिल। इनमें जब रिप्रोडक्टिव पीरियड आता है तो हो सकता है ये हमेशा के लिए साथ हैं, एक से अधिक रिप्रोडक्टिव पीरियड में भी साथ हैं, पर ये भी हो सकता है कि एक रिप्रोडक्टिव पीरियड के बाद इन्होंने मेट्स चेंज कर दिए, पर एक मेल एक फीमेल ही रहता है और साथ में उनका छोटा नवजात शिशु। देयर मस्ट there must also be a higher frequency of association between the bonded pair individuals. Parental care is the point where highest degree of association or bonding is seen. Bachche ke lalan palan ke liye parents ek saath rehte hain. Parental care, it is often observed. Paternal involvement in offspring rearing is much likelier to be observed in primate species where pair living occurs in monogamous animals. जहाँ ये monogamy में एक बहुत बड़ा फायदा है कि male primate बच्चों की rearing में, बच्चों की care में माता की मदद करता है। ये आप human society के साथ correlate करके समझ सकते हैं।
Examples of pair bonded primate species: titi monkeys, owl monkeys, some marmosets, tamarins, many species of Siamese and gibbons. Siamangs. Next. One female multimale groups, polyandry. Group of saddleback tamarins. ये यहाँ पर ये चित्र आप देखकर समझ सकते हैं. Polyandry occurs in some primates such as marmosets, mammal group, the marsupial genus, इत्यादि. Bandicoots में भी मिलेगा. अभी हमने एक शब्द पहले पढ़ा था, it is not a species specific. Marmoset का उदाहरण monogamy में भी मिला है और ये polyandry में भी मिल रहा है. Because it is not a species specific. अगर एक group monogamy show कर रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि दूसरा group भी उसे show करे. Characteristics of polyandrous mammals. It is composed of one reproductive adult female and two or more adult male partners in the group. If there are other associated females within the group, they will likely to have their reproductivity suppressed either via agonistic behavior, aggressive and submissive interactions, or olfactory signals such as pheromones. If there are, ये यहाँ पर एक setting mistake हुई है, ये two यहाँ पर आ गया है, ये ऊपर होना चाहिए, second characteristic है. अगर females group में एक से अधिक males के साथ involved हैं, तो कई बार reproductive activity suspend हो जाएगी, क्योंकि अब antagonistic behavior होगा, males में dominance का fight होगा, या pheromones का secretion होगा, जिसके कारण reproductive activity suspend भी हो सकती है. तीसरा point आप देखिए, the social system promotes cooperative breeding or alloparenting, where the non-breeding individuals assist in providing care for the offsprings produced by the main breeding female. एक female यदि reproduction करती है तो उसकी offspring की caring, जिसे alloparenting कहते हैं, में दूसरा group involved रह सकता है. तो ये cooperation की बात यहाँ पर दिख रही है. Examples of one female multi-male structure primate societies, many species of tamarins and marmoset. One male multi-female groups, it is known as polygyny. Pata's monkey. ये चित्र है, चित्र आप याद रखिएगा, पटाज मंकीज कैसे दिखते हैं और एग्जांपल याद रखिए, चित्र बना तो शायद संभव नहीं है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलीगाइनी, वन मेल मल्टी फीमेल ग्रुप्स आर यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय अ सिंगल रेजिडेंट मेल हु डिफेंड अ ग्रुप ऑफ ऑफन रिलेटेड अडल्ट फीमेल्स अगेंस्ट मेल्स फ्रॉम आउटसाइड द ग्रुप. एक मेल है ग्रुप में, वो उस ग्रुप की समस्त फीमेल सहयोगियों को बाहरी मेल से बचा कर रखता है, यानी एक तरह से हैरम है. उस मेल के हैरम में कई फीमेल्स होंगी और वो बाहरी मेल्स के संपर्क में नहीं आ सकते. व्हाइल टेन्योरशिप इज हेल्ड, दिस फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन अलाउज अ मेल एक्सक्लूसिवली एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव फीमेल्स फॉर ब्रीडिंग. और ये केवल ब्रीडिंग के लिए ऐसा हो रहा है, क्योंकि मेल हैज टू ट्रांसमिट इट्स जीन्स फॉर फर्दर प्रोपगेशन ऑफ परपेचुएशन ऑफ इट्स स्पीशीज. तो इसे कई फीमेल पार्टनर्स का साथ मिल रहा है और कई ऑफस्प्रिंग्स नेचर में आएंगे और उनमें से जो सक्षम होंगे, शक्तिशाली होंगे, वही सर्वाइव करेंगे और अदरवाइज तो नेचर खुद ही उन्हें आइसोलेट कर देती है या उन्हें डिस्कार्ड कर देती है. A resident male often suffers challenges from extra group males, perhaps belonging to all male bachelor groups, whereby these males may take over with the goal of gaining sole access to the reproductive facility. और इस male को बाहरी male से आक्रमण की संभावना भी रहती है, क्योंकि वो भी चाहेंगे कि इस male को वहां से मार के भगा दिया जाए और खुद उस जगह पर डोमिनेंस हासिल की जाए और कई फीमेल्स के साथ संपर्क स्थापित की जाए, क्योंकि वो भी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी में सम्मिलित होना चाहते हैं और ऐसा एनिमल किंगडम में अक्सर होता है.
take over by a new resident male could lead to infanticide, infant killing. देखिए ग्रुप लिविंग में जब सोशल ग्रुप में बड़े संयुक्त परिवार में जीव होते हैं तो इन्फेंटिसाइड की संभावना बहुत कम हो जाती है। लेकिन इस प्रकार के ग्रुप में यदि एक मेल ग्रुप मेल को ओवर पावर कर देता है, मार के भगा देता है, तो उसकी कोशिश रहती है कि उसके द्वारा उत्पन्न संतानों को, नवजात शिशुओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाए, जिससे फीमेल फिर ईस्ट्रस हीट पीरियड में आती है और नाउ शी इज अगेन रेडी फॉर द कंसेप्शन। दिस बिहेवियर इज इंटरप्रेटेड एज स्ट्रेटेजिक अटेम्प्ट टू ब्रिंग फीमेल बैक इनटू ईस्ट्रस व्हिच अलाउज मेटिंग अपॉर्चुनिटीज टू अकर सूनर फॉर द न्यू रेजिडेंट मेल। यही बात हमने अभी आपको समझाई, मैंने यही कहा आपसे कि इन्फेंटिसाइड का मेजर रीजन होता है कि फीमेल वापस ईस्ट्रस पीरियड में आए और फिर से कंसेप्शन के लिए तैयार हो और ये मेल अपने जीन्स को ट्रांसमिट कर सके। एग्जाम्पल्स ऑफ वन मेल मल्टी फीमेल स्ट्रक्चर्ड प्राइमेट स्पीशीज आर गोरिल्लास, कोलोबाइन, ग्विनोन स्पीशीज, पटास मंकीज, हाउलर मंकीज। देर आर सो मेनी मल्टी मेल मल्टी फीमेल सोसाइटी। ये है पॉलीगाइनेंड्री, इसमें एक मेल कई फीमेल्स के साथ संपर्क में रहता है और एक फीमेल कई मेल्स के साथ संपर्क में रहती है। पॉलीगाइनेंड्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय एसोसिएशंस बिटवीन लार्ज नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर्मिंग ग्रुप्स। यहाँ कोई सामाजिक मान्यता या बंधन नहीं, मर्यादाहीन आचरण इसे ही कहते हैं। Since individuals are able to mate with multiple partners, paternity is often hidden, which helps ensures the survival of offspring. इसमें ये नहीं पता चलता है कि fatherhood किसका है, who has fathered this infant. तो इसका नतीजा क्या होता है कि infanticide रुक जाता है, क्योंकि हर मेल सोचता है, मेल यही सोचता है कि उसकी ऑफस्प्रिंग है। अ वैरायटी ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स एंड बॉन्ड्स एक्जिस्ट अमंग मल्टी मेल मल्टी फीमेल ग्रुप मेंबर्स। फॉर इंस्टेंस सम रिसर्चेस हैज लेड टू ऑब्जर्वेशंस ऑफ डायडिक रिलेशनशिप्स और फ्रेंडशिप्स व्हिच आर मोर मॉडरेट फॉर्म्स ऑफ द पेयर्ड बॉन्डेड social structure existing within the multi-male, multi-female system. Homo sapiens के साथ अगर correlate करके देखा जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है, इनसे ही ये trait Homo sapiens में transmit हुआ है या सदियों से चली आ रही परंपरा ये भी है। यहाँ पर ग्रुप में फ्रेंडशिप दिख रही है ग्रुप्स के बीच में, इसीलिए इन्फेंट्स सुरक्षित है। वन स्टडी ऑफ सवाना बबून्स ऑब्जर्व लैक्टेटिंग फीमेल्स इन द ग्रुप वुड मोर क्लोजली बी एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक एडल्ट मेल। बेनिफिट्स फ्रॉम पॉलीगाइनेंट्री। हालांकि ये एक मर्यादाहीन आचरण है और पशुवत आचरण है, उससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। उनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो मनुष्य की तरह नहीं है, लेकिन मनुष्यों के समान ही उनमें हम कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं, क्योंकि मनुष्य भी एक प्राइमेट है और सोशल एनिमल कहते ही है मनुष्य को। तो रिसर्चेस ऑन प्राइमेट फ्रेंडशिप्स प्रपोज थ्री मेन बेनिफिट्स। Close associations with a specific male tends to discourage infanticide. ये सबसे अच्छी बात है कि infanticide नहीं होती है। It tends to reduce incidence of harassment of the female. ये female प्रताड़ना को भी रोकता है। Otherwise male क्या करता है, females को शोषण करता है, प्रताड़ित करता है, ये भी रुक जाता है। It stimulates paternal investment and care in the office. ये पैटर्नल केयर, पैरेंटल केयर को बढ़ावा देता है, ये एक अच्छी बात है। द बेनिफिट्स ऑफ फ्रेंडशिप्स विद इन द मल्टी मेल मल्टी फीमेल ग्रुप सिस्टम्स डेमोंस्ट्रेट
similar advantages as pair-bonded system. पेयर-बॉन्डेड सिस्टम में जिसमें हम लोगों ने देखा था मेल फीमेल मोनोगेमी होती है और माता पिता मिल के ऑफस्प्रिंग की रक्षा करते हैं, उसकी केयर करते हैं, लगभग उसी से मिलता जुलता कैरेक्टर ये विषय करते हैं पॉलीगाइनेट्री. एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी मेल मल्टी फीमेल स्ट्रक्चर्ड प्राइमेट स्पीशीज आर मैकाक्स बेबून्स वर्वेट मंकीज मैंगाबीज कैपुचिन्स क्रिल मंकीज सम Holobine species, some lemur ring-tail and Sifaka. Community fish and fusion societies. Chimps, bonobos, spider monkeys or marics. Fish and fusion societies hai kya? It shows high degree of fluidity by splitting fission and merging. Fusion as the group moves across a landscape. एक बड़े एरिया में जब ग्रुप चल रहा होता है तो ग्रुप्स टूटते भी हैं, छोटे भी होते हैं साइज में और जाके वो दूसरे ग्रुप के साथ जुड़ भी जाते हैं. तो यही है फिजन फ्यूजन. एक ग्रुप अगर टूट रहा है तो वो दूसरे ग्रुप के साथ जाकर मर्ज भी हो जा रहा है. This type of organization is less cohesive than multi-male, multi-female groups. It takes advantage of local availability of resources. इसका फायदा क्या होता है? उस एरिया में फूड वाटर शेल्टर जो भी मिलता है इसका फायदा इस ग्रुप को मिल जाता है. फॉर एग्जाम्पल इफ फोरेजिंग पैच साइजेस आर स्मॉल द लार्जर ग्रुप विल ऑफन ब्रेक अपार्ट टू फोरेज एंड लेटर मर्ज इन ऑर्डर टू स्लीप. एक बड़े इलाके में एक ग्रुप जा रहा है शिकार ढूंढने तो छोटे छोटे ग्रुप्स में वो टूट गया है, उसको शिकार मिल गया है और लार्जर ग्रुप छोटे ग्रुप्स में टूट गया था तो शिकार ढूंढने में उसे आसानी हुई थी, अपना भोजन ढूंढ रहे थे, भोजन या शिकार जो भी कह सकते हैं आप भोजन ढूंढना. और उसके बाद ये आपस में भोजन करने के बाद जब ये आप फिर बाद में ये आपस में मिल जाते हैं क्योंकि अब एक साथ उनको आराम करने के लिए स्थान चाहिए होता है, आराम करने के लिए सोने के लिए ये एक जगह पर एकत्रित हो जाते हैं. This type of society is typically characterized by female philopatry. ये नया शब्द है आपके लिए और बहुत अच्छा शब्द है. Philopatry का मतलब होता है जब females अपना lineage छोड़कर नहीं जाना चाहती, वे डोमिनेंट होती हैं. जो कोई फीमेल डोमिनेंट फैमिली जहाँ होती है या कोई ग्रुप होता है फीमेल डोमिनेंट ग्रुप, वो अपना आवास स्थान नहीं छोड़ना चाहती हैं तो वो वहीं रह जाती हैं जबकि वहाँ के मेल्स उन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, दूसरे ग्रुप्स में शामिल हो जाते हैं. So some researchers hypothesize that fission-fusion societies may have been socially developed from the last shared common ancestor of humans, chimpanzees and baboons. जहाँ female dominance है वहाँ पर female अपने बच्चों की rearing के लिए अपना आवास छोड़कर नहीं जाना चाहती पर males आगे बढ़ जाते हैं, दूसरे ग्रुप में शामिल हो जाते हैं या अपना नया ग्रुप बना लेते हैं, दूसरी फीमेल पार्टनर्स के साथ आगे बढ़ जाते हैं. तो इसके एग्जांपल्स आपको मिलेंगे ह्यूमंस. हालांकि एनिमल किंगडम में हमें ह्यूमंस का एग्जांपल लेना तो नहीं चाहिए लेकिन चीज़ों को आसानी से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स हमने इस्तेमाल किए हैं. यहाँ भी हम बस केवल इसी रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं इसे, चिंपैंजी स्पाइडर मंकीज बबूज इत्यादि. मल्टी लेवल सोसाइटी ये है टंकिन स्नब नॉइज्ड मंकीज. मल्टी लेवल सोसाइटी क्या होती है ये? दीज आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ प्राइमेट सोशल ऑर्गेनाइजेशंस. Typically, they are comprised of between 2 and 4 levels of societal structure. They are male units, one male unit, or harems, एक male or multi female. It is nested within clans. The society group के अंदर एक male होगा और कई females होंगी, harem होगा, which are nested within bands. इस clan का एक band होगा. Which are nested within a troop. फिर इनका एक troop बनेगा.
OMUs are composed of single male breeding unit. एक लीडर मेल होगा जिसमें कई फीमेल्स होंगी और इसने आगे देखिए एक क्लैन था, क्लैन का क्लैन टूट के बैंड्स बनाए, बैंड्स ने टूट कर ट्रूप्स बनाए और हर किसी में एक मेल है और कई फीमेल्स हैं क्योंकि एक लीडर मेल है विच ट्रांसमिट्स इट्स जीन्स टू द नेक्स्ट प्रोजेनी. सेवरल फीमेल्स एंड मे इवन हैव अ फॉलोअर मेल. सिमिलर टू द रेजिडेंट मेल ऑफ अ वन मेल मल्टी फीमेल ग्रुप्स the OMU leader susceptible to take over by outside adult males. यहाँ पर कई बार दूसरे ग्रुप के या बाहर ग्रुप के बाहर के मेल भी मेल को रिप्लेस कर देते हैं, ये हमने देखा था. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टी लेवल सोसाइटी की क्लैंस. इन सम स्पीशीज देयर इज एन एडिशनल लेवल टू द सोसाइटी नोन एज क्लैंस. The clan level is nested between the one male unit and the band level. Clans consist of one male unit and of all male units of bachelor males, either kin related or not. कहने का मतलब ग्रुप में एक मेल डोमिनेंट होगा, उसमें कई और मेल्स भी हो सकते हैं. Finally, a band is coalesced grouping of OMUs who routinely sleep and forage together. ये एक साथ रहते हैं, एक साथ विश्राम करते हैं, नींद लेते हैं और खाना ढूंढने भी एक ही साथ निकलते हैं. ये बैंड है जिसमें वन मेल यूनिट साथ में जुड़ जाएगी. The troop is a temporary aggression of bands who might also forage or sleep in the same site depending on environmental constraints. Environmental factors बहुत important होते हैं. Environment, भोजन, आवास, पानी और geographical conditions, इन सब के चलते भी कई bands एक साथ ही रहना पसंद करते हैं, यानी भोजन की तलाश और आवास एक साथ share करते हैं. So, this was the social organization in primates. मैंने इसके लिए डीथर स्टीलर बुक को रेफर किया है. इट इज क्वाइट ओल्ड एंड क्लासिक बुक ऑफ एनिमल बिहेवियर. रिसेंट बुक्स में रीना माथुर की बुक है जिसमें से टेक्स्ट लिया गया है और विकिपीडिया से ऑफ कोर्स एंड ऑल द फिगर्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द गूगल्स पिंटरेस्ट थैंक्स टू सोर्सेस ऑफ फिगर. थैंक यू वेरी मच.